भाजप दक्षिण भारतीय सेल रायगड जिल्हा नवीन कार्यकारिणी सदस्यांना माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर व भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रे प्रदान करण्यात आली. दक्षिण भारतीय रायगड जिल्हा कार्यकारिणी सदस्यांची नियुक्ती नुकतीच करण्यात आली होती. या नवनियुक्त सदस्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्याचा कार्यक्रम रविवारी झाला. यामध्ये पनवेल शहर मंडलचे आनंद शेरावत, खारघर तळोजा मंडलचे अमरनाथ हालेंबर, कामोठे मंडलचे चेतन शेट्टी, नवीन पनवेल मंडलचे रवींद्र पिल्लई, धनंजय शेट्टी, खोपोली मंडलचे पी के श्रीजीत, रोडपाली मंडलचे सुभाष बाबू, विचुंबे मंडलचे अबू थाईर कोलाईत, उल्वे मंडलचे राजेश सुंदरम, कर्जत मंडलचे श्रीनिवास राव, सोशल मीडिया सदस्य योगेश कुटीदरा, सविना भगेरा या नवनियुक्त सदस्यांना नियुक्तीपत्रे प्रदान करण्यात आली. या कार्यक्रमात पनवेल महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी, दक्षिण भारतीय सेलचे जिल्हा संयोजक श्रीनिवास कोडरू, सतीश राजू, सातानाथ शेट्टी, श्यामला शेट्टी, रामकृष्णन नायर, अक्षय क्षणभुगम, सुजित पुजारी, अनसर अली आदी उपस्थित होते. आज हम सब लोग जब यहाँ पर उपस्थित है, हम सभी को आनंद है कि एक्सएमपी रामशेठ ठाकुर जी के हाथ से आज ये कार्यक्रम करने को हमको अवसर मिला हुआ है. पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, खास करके 2014 में प्राइम मिनिस्टर के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने लीड करना शुरू किया, जब इस देश को हम देख रहे हैं, देश को अलग अलग क्षेत्र में हम लोग पूरे दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं. नरेंद्र मोदी जी पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रचारक रह चुके हैं और RSS का प्रार्थना है, वो प्रार्थना में हम कहते हैं परम वैभवम नेतु मेतत स्वराष्ट्रम, यानी भारत देश को विश्व का सबसे महान देश हमको बनाना और इसके लिए प्रयास करते रहना. हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, 2014 से पहले वाला समय था जब भारत के बारे में, देश के बारे में लोगों के मन में एक माइंडसेट बन चुका था, भारत का है यानी करप्शन का देश है, करप्शन, नॉन पंक्चुअल, ऐसे सारे टैग्स हमको लगाए जाते थे. आज हम लोग देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में करप्शन के खिलाफ उन्होंने जो मूवमेंट खड़ा किया है वो हम सब लोग मिलकर देख रहे हैं. अलग अलग फील्ड में इंडिया एक्सेल कर रहा है हम लोग देख रहे हैं. आज हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि कल ही के दिन हमारे देश के जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, उसको गोल्ड मेडल मिला. आज तक जितने भी ओलंपिक्स हुए उस ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल्स आज भारत को अगर मिल रहे हैं, एक गोल्ड, दो सिल्वर, चार ब्रॉन्ज अगर मिल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, तो एक साथ खुशी का माहौल है. लेकिन खुशी का जैसा माहौल है उसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन का माहौल है. और मोदी जी इसको कहते हैं कि नया भारत, न्यू इंडिया, इट इज इवॉल्विंग न्यू इंडिया. हम में कहीं ना कहीं वो था और हम लोग खो चुके थे, नहीं हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये सारी चीज़ों को भूल के आज हम नया कुछ देना चाहते हैं. ऐसे में देश का हर नागरिक जो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ में जुड़ा हुआ है उसको हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ना है.